हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लेके आई हूँ एक कुकिंग वीडियो, और जैसा कि थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से डिश बनाने वाली हूँ। तो जी हाँ, सिंघाड़ा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिंघाड़ा जो है विंटर्स में आता है और बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो इस सिंघाड़े से ही हम आज बनाएंगे एक मज़ेदार तीखी टेस्टी वाली डिश। तो इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लग सकती है, ये बच्चे बड़े बूढ़े सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको इवनिंग में खाएं, और ये चाय के साथ तीखी वाली टेस्टी जो डिश सिंघाड़े की है बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसको आप नॉर्मली जैसे हम लोग पोटैटो बॉयल करते हैं, आप आलू बॉयल करते हैं, उसी तरह आप इसको भी बॉयल करेंगे। थोड़ा सा कम बॉयल करना रहता है कंपैरिजन आलू के कंपैरिजन, थोड़ा सा कम। ये दिखने में तो हार्ड लगता है बट ये बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाता है। अगर ज़्यादा देर आप इसको प्रेशर लगाएंगे, सीटी लगाएंगे कुकर में, तो ये बहुत ही जल्दी ये गल जाएगा। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा कम इसको बॉयल करेंगे। और इसको नॉर्मली इसको छील करके आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, और एक से दो दिन के लिए ये चल जाता है। फ्रिज में आप इसको रख दीजिए स्टोर करके और चल जाएगा। और जब भी आपका मन करे तो आप इवनिंग में इसे निकाल करके कट कट के फ्राई करें और चाय के साथ इसके मज़े लीजिए। खुद भी खाइए, अपने परिवार को खिलाइए और मज़े लीजिए इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये डिश। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अपने जो सिंघाड़े थे इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, और दो तीन पानी से इनको वॉश कर लिया है। और इनमें मैं डालूंगी पानी बॉयल होने के लिए, तो यहाँ मैंने एक ग्लास पानी डाला है, और अभी हाफ ग्लास मैं और डालूंगी इसमें, क्योंकि पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। तो इसमें मैं हाफ ग्लास पानी और डालूंगी, और चूंकि ये काफ़ी नुकीले इसके कांटे वगैरह रहते हैं फ्रेंड्स, तो वॉश करते टाइम आप काफ़ी केयरफुली रहिए, क्योंकि इसके कांटे आपको चुभ सकते हैं और आप हर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको वॉश करके पानी वगैरह डाल के और ढक्कन बंद कर दिया, और मैंने चढ़ा दिया है अपने गैस पर, और दो से तीन सीटी आने पे मैं इसको बंद कर दूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। मैं जब ये पूरी तरीके से अपने आप ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे खोलूँगी। और यहाँ मेरा ये सिंघाड़ा है वो बॉयल्ड हो चुका है, अच्छे से ठंडा भी हो चुका था। तो अब मैं इनके छिलके निकाल लूँगी, और ये देखिए सिंघाड़े कैसे मैं यहाँ इसमें से मैं सिंघाड़े सारे छील लूँगी इसी तरीके से। इसे आप व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं, जब नवरात्रि या और कोई व्रत हो उसमें भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिंघाड़ों को अच्छे से छील लिया है, उनके छिलके अलग कर लिए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा छोटे पीस में कट करेंगे। अगर आप चाहें तो इतने बड़े टुकड़ों में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोटे टुकड़ों में थोड़ा सा कट करूँगी। तो सिंघाड़ों को यहाँ मैंने अपने हिसाब से कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और यहाँ मैंने लिया है घी, और एक प्लेट में मैंने हरी मिर्ची ले ली है। मिर्ची आप अपने अनुसार ले सकते हैं जैसे आपको तीखा खाना है, और एक चम्मच जीरा, और एक ग्रेट करके हमने अदरक ले लिया है, और नमक ये ले लिया है मैंने। तो यहाँ मैं दो से तीन चम्मच मैं यहाँ डालूँगी घी, क्योंकि इसको मैं हम लोगों को अच्छे से क्रिस्पी सिंघाड़े बनाने, तो थोड़ा सा ज़्यादा घी लगेगा। अगर आपको कम घी खाना है तो आप कम घी लीजिए, और आप व्रत में इसको जब खाएं तो इसमें जो सादे नमक की जगह सेंधा नमक का यूज़ कर लीजिए, और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ मेरा घी गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसमें जो जीरा है और हरी मिर्च अदरक ये तीनों मैं डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मैं तड़का लूँगी। जलाना नहीं है, इसे जलने ना पाए इसको, और बस अच्छे से तड़क जाए उसके बाद मैं इसमें सिंघाड़ा ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और गैस की फ्लेम को हम लोग मीडियम कर देंगे फ्राई करते वक्त। तो यहाँ हमारा अच्छे से तड़क चुका है अपना मेरा जो जीरा मिर्च है, और अब इसमें हम अपना सिंघाड़ा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तक सिंघाड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं तब तक इधर मैं धनिया वगैरह काट लूँगी, क्योंकि इसको डालने से इसका टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ एक चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, आपको जैसे खाना है कम या ज़्यादा। तो नमक डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लोगों को मीडियम ही रखना है, मीडियम से स्लो रखना है। अगर आप तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे, तो इसलिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और उसको अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मेरा सिंघाड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है, काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। और इसमें हम अब डालेंगे धनिया की पत्ती, जिससे अच्छे से इसका टेस्ट आ जाएगा। बस हमारा सिंघाड़ा रेडी हो गया है, अब इसे हम बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सिंघाड़ा हमारा रेडी है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा खट्टा खाना है तो इसमें नींबू का रस मिला लें, और ऊपर से अगर चाहें तो चाट मसाला वगैरह डाल दें और इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी का अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरी अदर वीडियो भी चेक करें, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।